मुकुल शर्मा एके स्टफ लिस्टिंग्स। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ संडे स्टफ। और गाइस वंस अगेन वेलकम है आप लोगों का संडे स्टफ में। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिन को 12 बजे एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। ऑफ कोर्स जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सी वीडियो होगी आज जो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आज की वीडियो का लाइक टारगेट, बिकॉज ये संडे स्टफ है, लाइक टारगेट लेके चलते हैं 1500 का। ठीक है, डिसेंट इनफ। और स्टार्ट करते हैं एक और एपिसोड संडे स्टफ का। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे और बहुत सारे लोगों के आंसर भी मैं दूंगा। और कल से फिर से रिज्यूम करेंगे हमारी टेक स्टफ की जर्नी। बट आज के लिए हम लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है जगजोत सिंह जी का, पहला ही रैपिड फायर यहां पे आ चुका है। वो कह रहे हैं मी 20 प्रो वर्सेज 1+8T कौन सा स्मार्टफोन मैं लेना चाहूंगा। मैं पर्सनली जाऊंगा 1+8T के साइड। 1+8T वर्सेस S20 FE, ROG 3 वर्सेस iPhone 12। ROG भी वैसे मेरे पास पड़ा है, बट उसको मैंने इतना भी टेस्ट नहीं किया, सो आई कांट से फॉर श्योर। सो iPhone 12 विल बी यू नो माय चॉइस। Realme X7 Pro वर्सेस Redmi K30 Ultra। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल गुरुजी वर्सेस टेक्नो रुहेज। वैसे जो आपने ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, उनमें भी मैं ये बोलना चाहता था व्हाई नॉट बोथ। जितने भी ये स्मार्टफोन्स हैं, अगर मैं ये सारे यूज कर सकूंगा तो आई विल बी यू नो द एक्चुअल टेक एंथुजियास्ट। सो ये सारे स्मार्टफोन्स अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं इन दोनों लोगों के साथ क्लैब करना चाहूंगा यार। इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ पर्सन लाइक मी टू क्लैब विद बोथ दीज गाइस। सो यहाँ पे कोई चूज करने वाला आई डोंट थिंक कोई भी यहाँ पे सीन बन रहा है। ओके बाद में उन्होंने एडिट किया, वो कह रहे यू कैन स्किप टू आंसर द लास्ट वन इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू डू सो। नहीं नहीं, स्किप क्या करना। और ये मेरे को अभी अजय ने बताया ये बात कि आपने नीचे लिख रखा था। सी आई बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटर्स हियर, एंड सारे के सारे हम लोग क्रिएटर्स हैं। कुछ लोग सीनियर्स हैं बहुत इंडस्ट्री में, कुछ लोग अभी जूनियर्स हैं, नए आए हैं। आप लोग भी आगे जब अपना यूट्यूब अगर क्रिएटर वाला करियर स्टार्ट करोगे तो आपको भी इस चीज का पता चलेगा कि यार बहुत ही एक हेल्दी रिलेशन हमारा सब लोगों का, सब क्रिएटर्स का आपस में होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्सेस वाला कोई सीन नहीं है, कोई एक अगर हेल्दी कंपटीशन है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अदर देन दैट आई बिलीव सारे हम सारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा एंड गेम अल्टीमेट गोल होता है आप लोगों को कंटेंट अच्छा वाला प्रोवाइड करना। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, मेरी जो अपनी जो ओपिनियन थी वो मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। मिस्टर क्लाउन जी पूछ रहे हैं कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट 5G फोन फ्रॉम रियलमी रेडमी एंड माइक्रोमैक्स। ब्रदर माइक्रोमैक्स को अभी टाइम लगेगा, अभी अभी आए हैं, दो स्मार्टफोन्स उन्होंने लॉन्च किए, वो भी एंट्री लेवल स्लैश मिड रेंज में। सो 5G में तो अभी टाइम लग सकता है, रियलमी का जल्दी ही आ रहा है। बट अगेन 5G स्मार्टफोन जो होंगे ना, उनकी बजट जो रेंज है वो हम अगर एक्सपेक्ट करें कि 4G वाली बजट रेंज हो तो वो गलत है। सो 5G के मेरे हिसाब से जो शुरू में बजट फोन आएंगे वो हमारे अभी के लिए जो 4G मिड रेंज काउंटर पार्ट्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं हमें प्राइस टैग देखने को मिलेगा। सो यस, रियलमी X7 सीरीज आ रही है, आई बिलीव वो बजट स्लैश मिड रेंज सीरीज ही है। और रेडमी के भी स्मार्टफोन जल्दी ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया था कल की टेक स्टफ में कि रेडमी का जो नोट 9 सीरीज का 108 वाला कैमरा वाला स्मार्टफोन चाइना में आ रहा है, वो इंडिया में हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। आगे पूछ रहे हैं रियलमी V सीरीज की इंडिया लॉन्च, अभी के लिए कोई इसके बारे में न्यूज नहीं है, बट जैसे ही कुछ लॉन्च डेट आएगी आपको पता है कि आपने कहां ट्यून इन करना है, आपको हमारे चैनल पे ही इसकी एक्सक्लूसिव न्यूज भी देखने को मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इज माइक्रोमैक्स गोइंग टू लॉन्च अनदर स्मार्टफोन बिफोर द एंड ऑफ 2020, बिकॉज देयर आर 3 स्मार्टफोन्स इन द ऑफिशियल ट्वीट। यस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको दिसंबर में भी एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, कंफर्मेशन या लीक मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। सोएब साहा जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड्रॉइड, एंड्रॉइड वन, एंड्रॉइड गो, कस्टम यूआई। अल्टीमेटली सी ब्रदर द थिंग इज, सबसे पहले होता है स्टॉक एंड्रॉइड जो गूगल ने दिया है, प्लेन क्लीन एक्सपीरियंस है जो आपको गूगल के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर कोई भी कस्टमाइजेशन की जाती है अलग अलग जो OEMs हैं या वेंडर्स हैं, सैमसंग, शॉमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये वॉवे, जितने भी ये ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि अपना एक अलग सा एक्सपीरियंस हम अपने यूजर को प्रोवाइड करें। सो दैट एक डिफरेंशिएशन रहेगी, सैमसंग के स्मार्टफोन्स में वन UI होता है, सो कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। सो वो हो गया आपका कस्टम एंड्रॉइड। एंड्रॉइड वन, एंड्रॉइड गो होते हैं यार, जैसे एंड्रॉइड वन एक एक्चुअली में इनिशिएटिव था गूगल की तरफ से जिसमें रेगुलर अपडेट्स वगैरह हमें देखने को मिलती थी। सो एंड्रॉइड गो जो है वो है यार एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए, मतलब जो आपका एक्चुअल एंड्रॉइड है ना, जो आपकी एक्चुअल स्किन है, जो हमारे सपोज गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स में है, इवन वन प्लस के स्मार्टफोन्स में थोड़ा सा ट्वीक्ड आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है, बट नियर टू स्टॉक है। Android Go एक ऐसी चीज है जो आपको आप कह लो कि किसी भी ऐप का एक लाइट वर्जन है, जैसे वो Android का लाइट वर्जन हो गया। बहुत ही मिनिमल स्पेक्स हैं, एंट्री लेवल बजट फ्रेंडली स्पेसिफिकेशंस हैं, बट आपको Android का एक्सपीरियंस वहां पे देखने को मिलता है। फाइल्स ऐप होगी, मैप्स हो गया,
क्रोम, ये जितने भी एप्स गूगल की गैप्स हैं, उनके भी लाइट वर्जन, उनके गो वर्जन आपको इस इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। ये मेरे हिसाब से बेसिक डिफरेंसेस हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वन? मेरी अगर आप मानो, मतलब मेरी आप पर्सनल अगर एक्सपेक्टेशन या ओपिनियन लोगे, तो मेरे हिसाब से तो कस्टम स्किन जो होती है वो बेटर होती है। मेरे को कभी भी स्टॉक एंड्रॉयड इतना पसंद नहीं आया। अनिकेत सोनी जी पूछ रहे हैं, हाउ डिड यू मीट टेक्निकल गुरुजी? बस किस्मत थी, और बहुत सारे स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी मेंबर्स ने कहा था कि यार ये कलैब करो, और जब आपने ये एक दो तीन संडे स्टफ पहले ये बात बोली थी, आई वाज लाइक इट इज यू नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि चीजें होती जा रही हैं अच्छी अच्छी, और ये चीज भी हो रही है। सो जल्दी ही आपको ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, पसंद आएगी आपको वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मजा आया उनसे बात बात करके। आज दिन को 12 बजे ये वीडियो आने वाली है, उसके लिए भी अपना जो यू नो अलार्म वगैरह सेट करना है उसको आप सेट करके रख सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, नीचे बटन लगा, उसके साथ में जो नोटिफिकेशन आइकन है, अगर आप टेक्निकल गुरुजी और स्टफ लिस्टिंग्स की एक इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं टाइम रहते, नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेकी मोबाइल पूछ रहे हैं, हाउ मेनी एम्बार्को प्रोडक्ट्स इन योर हाउस दैट आर लॉन्चिंग इन नवंबर, प्लीज आंसर। इफ आई कुड टेल दैट तो फिर एम्बार्को थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, बट स्टिल लेट मी चेक। मतलब है कुछ अच्छे खासे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनका अभी एम्बार्को है, साइन कर रखा है, बट अभी लॉन्च नहीं हुए, सो उनके बारे में ये तो नहीं बता सकता। 3-4 लेके चल सकते हो, 3-4-5 के आसपास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, स्मार्टफोन्स भी है बट और भी कुछ चीजें हैं, आपको जल्द ही उनकी अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। परेश कोहली जी पूछ रहे हैं, सर व्हेन विल स्टाइलिस्टिंग्स दी कम टू संडे स्टफ? ब्रो लव योर वीडियोस, ब्रो योर वीडियोस आर रियली ऑसम, लव फ्रॉम दिल्ली, लव फ्रॉम ग्रेटर नोएडा ब्रदर, पास पास ही रहते हैं, मिलो किसी दिन। और स्टाइलिस्टिंग्स दी जल्दी ही आएंगी हमारे चैनल पे, पिछला जो संडे स्टफ हुआ था जिसमें वो आई थी, वो चैनल वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी यार, मतलब व्यूज के हिसाब से भी इट इज वन ऑफ द बेस्ट संडे स्टफ्स, आई बिलीव सबसे ज्यादा व्यूज उसी संडे स्टफ पे आए थे। तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि यार ज्यादा लोग देखें वीडियोज, सो क्यों नहीं मैं उनको लेके आऊंगा अगले हफ्ते, उनको लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा अभी वो वापस आए हैं, सो थोड़ा सा मूड वगैरह भी इतना अच्छा नहीं है। ट्राई टू चीयर हर, आप ट्विटर पे उनको बोलो कि आओ संडे स्टफ में, डेफिनेटली शी विल मेक अ रिटर्न। रमाकांत पांडे जी पूछ रहे हैं, व्हेन आर दीज स्मार्टफोन्स लॉन्चिंग इन इंडिया, रियलमी एक्स 7 सीरीज और रेडमी नोट 10 सीरीज? एंड आई वांट अ फोन अंडर 20-25K, व्हिच वन इज द बेस्ट इन दीज टू सीरीज? अभी के लिए ब्रदर रियलमी एक्स 7 सीरीज तो लॉन्च एक्चुअली चाइना में हो चुकी है, रेडमी नोट 10 सीरीज लॉन्च होनी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल की कौन सी सीरीज बेटर होगी। रियलमी एक्स 7 सीरीज की वैसे स्पेक्स वगैरह बहुत अच्छी है और ये हमें दिसंबर में देखने को मिल सकती है। रेडमी नोट 10 सीरीज की बात कीजिए, फर्स्ट लेट इट लॉन्च इन चाइना, और मैंने आपको बता दिया कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्मार्टफोन्स में इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। रेडमी और शॉमी और मी के जो प्रोडक्ट्स हैं अगले 2-3 महीने अच्छे खासे लाइंड अप है इंडिया के लिए भी। शिवा सुनील प्रसाद जी पूछ रहे हैं, इज Asus ROG फोन 3 गुड टू यूज एज अ डेली ड्राइवर? आई एम नॉट अ गेमर बट आई नीड अ पावरफुल फोन, इज इट गुड? प्लीज पिक माय क्वेश्चन एंड टेक केयर, से हाय टू स्टाइलिस्टिंग्स। डेफिनेटली आई विल से हाय टू हर, बाहर कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ रखे हैं, शी इज मेकिंग टी आई बिलीव। सो जहां तक बात कीजिए ROG 3 की, इट्स बीन अराउंड 1 डे, मैं एक दिन से यूज कर रहा हूं स्मार्टफोन को, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अभी के लिए माय करेंट डेली ड्राइवर्स आर अगेन द आईफोन 12 एंड द पिक्सल 4a, बोथ आर कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स। एकदम से जब मैंने उस फोन को देखा तो वो मेरे को ज्यादा ही बड़ा सा लगा था, बट उसको यूज किया मैंने कुछ 5-6 घंटे, फिर उसका जो वो अमेजिंग कवर है वो भी लगाया मैंने, और उसके बाद आई फेल्ट कि यार इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्मार्टफोन, नॉट जस्ट फॉर गेमर्स, फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स अ पावरफुल स्मार्टफोन, द ROG फोन 3 इज नॉट एट ऑल अ बैड फोन, इट इज काइंड ऑफ हेवी, ऑफकोर्स फुल रिव्यू आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, बट ट्रस्ट मी इवन इफ यू आर नॉट अ गेमर, इफ यू आर एन एवरेज कंज्यूमर हु वॉन्ट्स अ वेरी पावरफुल स्मार्टफोन, गेम्स वगैरह आपने नहीं भी खेली, मेरी तरह के आप एक एवरेज गेमर हो, कैजुअल गेमर हो, स्टिल द ROG फोन 3 इज अ वेरी गुड चॉइस। अमन शर्मा जी पूछ रहे हैं, एज वी ऑल नो PUBG इज अबाउट टू मेक अ कमबैक, सो आर वी गोइंग टू गेट आवर ओल्ड अकाउंट्स बैक विद ऑल द आउटफिट्स एंड एवरीथिंग वी हैड बिफोर द बैन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी थॉटफुल क्वेश्चन। मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू गेट द अकाउंट्स बैक, बट यस, एक सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेरी पर्सनल यू नो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि यार अगर हमने जितने भी एक्सेस वगैरह दे रखी थी, जो प्रीवेसी कंसर्न्स वगैरह थे, उनको सॉर्ट कैसे किया गया होगा? मतलब अभी के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई, बट ऑल द डिटेल्स विच आई गेव टू द PUBG सर्वर्स, अगर उन्हीं प्रॉब्लम तो यही थी ना कि हमारी जो प्रीवेसी है उस पर इश्यूज वगैरह आ रहे थे, तो अगर मैंने डेटा ऑलरेडी दे रखा है और अगर उसको डिलीट नहीं किया गया तो वो दैट डेटा इज स्टिल आउट देयर। अगेन इट्स अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और आई एम बीइंग वेरी ओपन हियर, मैं अजय से इस चीज की डिस्कशन भी कर रहा हूँ बिकॉज ही इज अ PUBG प्लेयर, मैं ज्यादा नहीं खेल पाता। सो एज फार एज वी नो द डेटा शुड गेट बैक,
बट आई होप कि वो फिल्टर होके आया हो और जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी प्रिवेसी सिक्योरिटी की वो सॉर्ट हुई हो, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं बनता। कोई भी कंपनी इसको ओन कर ले, वो चाइनीज है कि नहीं है, अगर डेटा चाइना की जगह ताइवान में भी जा रहा है, मे बी इवन इफ इट्स गोइंग टू से लंडन, प्रॉब्लम तो फिर वही है ना, हमारा डेटा वॉज द मेन इशू एंड ऑफकोर्स द चाइनीज सेंटिमेंट। सो आई होप कि ये चीज फिक्स हो गई हो, उसके बाद अगर डेटा वापस आ जाए तो अच्छी बात है, बट अगर हमारे डेटा पे रिस्क है तो मैं कहूंगा कि यार वापस अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें नया अकाउंट बनाना चाहिए। टेक्निकल लॉजिक्स पूछ रहे हैं, रियलमी 8 एक्सपेक्टेड प्राइस एंड स्पेक्स। आपका नाम है टेक्निकल लॉजिक्स, आप कुछ लगाओ लॉजिक वगैरह यहाँ पे। रियलमी 8 की स्पेक्स की बात की जाए तो आई एक्सपेक्ट हायर रिफ्रेश रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली होगी। रियलमी 7 सीरीज में भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी। सो उसके अलावा आई एक्सपेक्ट बेटर कैमरा, अभी के लिए इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, बट येस दिस टाइम अराउंड मेरे को लग रहा है कि फिर से वही चीज होने वाली है, एक क्वालकॉम एक मीडियाटेक का प्रोसेसर, डायमेंसिटी के होने के चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स रियलमी ने तो बोल दिया है कि व्हाट्स योर टेक ऑन डायमेंसिटी प्रोसेसर्स गेटिंग लॉन्च्ड इन इंडिया। सो यस, रियलमी 8 सीरीज में हम डायमेंसिटी के प्रोसेसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग पे अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा, कुछ स्पेक्स लीक होने दो, उसके बाद ही कुछ आइडिया होगा। बट डेफिनेटली जैसा रियलमी 7 सीरीज का एक्सक्लूसिव लीक वीडियो आया था, अगर आपने तब वो वीडियो नहीं देखी थी, मैं ऊपर कार्ड में लगा रहा हूं जस्ट टू प्रूव, आपको रियलमी 8 सीरीज का भी एक्सक्लूसिव ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मानस जी पूछ रहे हैं आगे, हे ब्रदर हाउ आर यू, दीदी एंड टेको एजे। मैं बढ़िया, सब कुछ, अजय बैठा है ये भी ठीक है, दीदी भी ठीक है, थैंक्स अलॉट, आई होप आप भी ठीक होंगे और घर पे सारे लोग भी ठीक होंगे। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, वो कह रहे हैं कैन वी एक्सपेक्ट न्यू बैकग्राउंड एंड न्यू लोगो ऑन 50K। डेफिनेटली दैट कैन बी डन, बैकग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, लाइट अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हो, उसके कोई दिक्कत वगैरह आई वो भी आप हमें बता सकते हो। बट ये जो चीजें हैं ना पीछे, इनको हम चेंज करने की सोच रहे हैं, ये लाइट मैं सोच रहा हूँ कि चेंज कर दी जाए, ये बहुत टाइम से लगी हुई एंड अगेन काइंड ऑफ मेरे को भी ना थोड़ा सा अब बोर हो रहा हूं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड चेंज करें, डेफिनेटली हम चेंज करेंगे, लोगो चेंज 50K पे ना करके हम 100K पे करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अभी के लिए एकदम से नहीं चेंज करेंगे, कुछ अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा बट वो हमारी 100K की प्लानिंग है। व्हेन विल आईकू लॉन्च न्यू फोन्स इन इंडिया? आईकू का अभी यार आना चाहिए था, बट मैंने आपको बता दिया था कि आईकू 5 सीरीज लॉन्च नहीं होगी, बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट किया आएगा, मैंने बोल दिया था कि अभी हाल फिलहाल कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हो रहा, 2021 में एक्सपेक्ट करो, 2020 में अब बहुत मुश्किल चांस है इनके किसी भी स्मार्टफोन के लॉन्च होने के। आगे वो पूछ रहे हैं व्हाट आर योर दिवाली प्लान्स? ब्रदर आई विल बी वेरी ओपन, अभी वी रिसेंटली लॉस्ट यू नो अ वेरी डियर मेंबर ऑफ द फैमिली, सो दिवाली ऐसे हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, दिया वगैरह जो है वो हम अच्छे से लगाएंगे। दिवाली में स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी के साथ सेलिब्रेट करना चाहूंगा, और उससे पहले दिवाली से पहले कोई ना कोई गिव अवे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एंजॉय करेंगे सारे पुराने गिव अवेज, वैसे रेडमी वगैरह के जो थे उनके अनाउंसमेंट आ चुकी है, नया भी कुछ करेंगे, और डेफिनेटली दिवाली वाला जो टेक्स्ट अप होगा वो अच्छे से पीछे से लाइट वाइट लगा लेंगे कुछ, और ऐसे ही मिठाई वगैरह खा के हम सेलिब्रेट करेंगे सब लोग साथ में। और आगे वो कह रहे हैं स्टे सेफ एंड कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर 50K फैमिली, स्टे सेफ यू टू ब्रदर। एंड 50K की बात की जाए, बहुत नजदीक हम आ चुके हैं, आई बिलीव 400-500 सब्सक्राइबर्स दूर है। सो आज भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सर, प्लीज यार आप शेयर करो आगे वीडियो को, 500 सब्सक्राइबर तो एक दिन में हम कर सकते हैं, संडे है आज, थोड़ा करो, थोड़ा है एफर्ट वगैरह लगाओ, 50,000 आज रात को ट्वीट करेंगे, अच्छा मजा आएगा, ठीक है ना, तो आप भी थोड़ा हेल्प वगैरह कर सकते हैं। सात्विक मिश्रा जी पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन 4000 आवर्स वॉच टाइम पॉलिसी फॉर न्यू/स्मॉल यूट्यूबर्स? बड़े लोगों का क्या है, उन्हें तो मिल जाता है। सात्विक जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है बिकॉज अभी बाहर बैठ के ना, एज आई सेड मेरे फ्रेंड्स आ रखे हैं तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं वॉच टाइम की बात नहीं कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट वेबसाइट्स। जब मैंने वेबसाइट स्टार्ट की थी ना अपनी, तो मेरे दिमाग में था यार मेरा एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। जब मिला तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि यार एडसेंस तो मिल गया अप्रूवल, मैं एड्स शो कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट शो कर रही है एड्स, इट्स रनिंग एड्स यू नो एट ऑल द प्लेसेस पॉसिबल। जब तक लोग आके मेरे एड्स पे क्लिक नहीं करेंगे या एड्स को देखेंगे नहीं, एडसेंस के एनेबल होने से कुछ नहीं होता है। सिमिलरली ये जो वॉच टाइम पॉलिसी है ना 4000 आवर्स की, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, आई एम सेइंग दिस विद अटमोस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज लास्ट ईयर हमारे 4000 घंटे पूरे करने में हमारे पसीने छूट गए थे, हमें पता है, ठीक है। और मैंने यही चीज बोली थी अपनी टीम को, अपनी फैमिली को और सब लोगों को, यार जब तक हम इस लायक होंगे ना कि 4000 वॉच टाइम हमारा पूरा हो जाए घंटों का, तब तक हमारे कुछ एडसेंस से ना कुछ सिग्निफिकेंट पैसा आना शुरू होगा। आज जितना हमारे जितने व्यूअरशिप है उसके हिसाब से मैं आपको इतना बता रहा हूं कि हमारा रेंट निकल जाता है। आई एम बीइंग वेरी ओपन अबाउट इट, ठीक है। पिछले 2-3 महीने पहले ऐसा नहीं था, आई कांट एक्चुअली टेल यू द एक्चुअल इनकम, बट हमारा रेंट निकल सकता है अभी की हमारी व्यूअरशिप के हिसाब से।
नाउ यू टेल मी कि अगर एडसेंस से $100 का थ्रेशहोल्ड होता है, पहली बात अगर आप $100 से कम कमा रहे हो तो वो पैसा आपके अकाउंट में उस महीने नहीं आता, वो अगले महीने के लिए। सपोज आपने $50 बनाए, वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो गया, और अगले महीने अगर आपने और $50 बना लिए तब आपको वो $100 मिलेंगे उसके अगले महीने, तीन महीने। डू यू एक्चुअली थिंक कि $100 होते हैं 7,000 रुपीज, तीन महीने वेट करने के बाद अगर आपको 7,000 रुपीज मिल रहे हैं तो इज इट वर्थ इट? इट इज, 7,000 रुपीज बहुत होते हैं, बट तीन महीने की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके 4,000 आवर्स पूरे नहीं हुए तो ये जो $100 है ना, इनको आपको 8-9 महीने लगेंगे, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। 9 महीने में अगर आप 7,000 रुपए कमा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम पहले फोकस करें व्यूज लाने पे, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पे, व्यूअरशिप बढ़ाने पे। एज अ ब्लॉगर एंड व्लॉगर आई एम टेलिंग यू, एज अ क्रिएटर आई एम टेलिंग यू, मेन प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी टू मेक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ व्यूअरशिप। एडसेंस ऐसे 4,000 घंटे है ना, हमारा एक वीडियो का कितना वॉच टाइम होता है? 600 आवर्स। हमारा जो टेक्स्टअप होता है 600 घंटे का वॉच टाइम होता है। सो वॉट, 10 वीडियोज में 8 वीडियोज में हो जाता है, और हमारे व्यूज अभी इतने नहीं कि हम मिलियंस में बनाते हैं। ये है एक साल की मेहनत हम लोगों की, ठीक है ना? तो वही आपको भी करना है, एंड दिस इज हाउ अ चैनल शुड प्रोग्रेस। आई बिलीव आपको बिल्कुल ओपनली यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ। अरमान खान जी पूछ रहे हैं, क्या आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जो आपको अजीब लगता हो या थोड़ा हॉन्टिंग लगता हो? प्लीज रिप्लाई बाय द वे, लव योर वीडियोज, थैंक यू फॉर द लव ब्रदर। और यस, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। मेरे जो वॉशरूम वाला जो है ना, मतलब मेरे कमरे के पीछे एक वॉशरूम है, दो है अलग अलग, दो तीन है, बट एक जो है वहाँ पे अंधेरा रहता है हमेशा। किचन की जो बैल्कनी है वहाँ पे मेरे को हमेशा हिल जाती है मेरी थोड़ी, पानी मेरा जो है ना, वो क्या बोलते हैं, आरओ पानी वाला जो होता है ना, वो मशीन, वहाँ से जब मैं पानी निकालने जाता हूँ रात को 2:30 बजे, अगर मेरे को कोई बोलेगी यार पानी लेके आ जा तो मेरे पसीने छूट जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे स्टूडियो का ये वाले इधर ना एक साइड पे पर्दे लगे हुए हैं, दिखा नहीं सकता आपको, बट ये वाला कई बार जब मैं बाहर से निकल रहा होता हूँ रात को वही पानी लेने के लिए तो ऐसे हिल रहे हो अगर, तो ये लाइट के लिए छतरी सी लगी है, तो ये सारी चीजें ना अंधेरे के टाइम पे ये लगता है कि कुछ मानव आकृतियां खड़ी हैं, हिंदी मेरी। सो यस, देयर आर सम प्लेसेस ऑफ कोर्स। और उसके अलावा हम 13th फ्लोर पे हैं, 13 अगर आप इन नंबर्स वगैरह में मानते हो तो आपको पता होगा क्या बात कर रहा हूं मैं। और 13th फ्लोर पे तो हवा भी बहुत चलती है, अपने कुंडी वुंडी नहीं लगाए तो दरवाजे भी ऐसे ऐसे हिलते हैं कई बार। सो यस, कई बार ऐसा हो जाता है, और मैं बहुत ही वो डरपोक किस्म का आदमी हूँ, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, मैं अंधेरे में नहीं सो सकता, और यू नो मैं हनुमान चालीसा लगा के रात को सोता हूँ, एंड आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सुबह 4 बजे तक मेरे लैपटॉप पे हनुमान चालीसा चलती है। यस, दैट्स व्हाट इट इज। लास्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया संदीप पाटिल जी का, क्या क्वेश्चन होगा? स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी में संदीप पाटिल जो है ना वो बहुत फेमस हो चुकी हैं। 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, कमेंट सेक्शन में बताओ संदीप पाटिल ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में सही में इसका आंसर दे पाए तो आप घने होशियार। मैं इस चीज का जवाब नहीं दे सकता, मैं हार मानता हूं संदीप पाटिल जी। बाय द वे संदीप पाटिल जी अभी गिव अवे में जीते हमारे, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट क्वेश्चन क्या है चलो बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। और संदीप पाटिल इसका आंसर जो है वो पूरी दुनिया जानना चाहती है, और जल्द ही आपको इसका आंसर मिलेगा, बट अभी के लिए मैं भी आंसर लेस हूं। सो गाइस, ये थी सुबह की संडे स्टाफ, बट ये आज के संडे की लास्ट वीडियो नहीं है। जो अगली वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी वो बहुत ही अच्छी होगी, एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं आज के 12 बजे वाले वीडियो में। सो उसको पक्का से देखना, और उस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करना। बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था, वो सारी चीजें आपको पक्का वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी आप मेरे को DM करके भी फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। और यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।